नमस्कार, मैं रविश कुमार। मंत्री जी अपने फैंस को चैलेंज दे रहे हैं कि पुशअप करें, हेल्दी रहें, फिट रहें। जरूरत यह भी है कि हम जनता भी उन्हें चैलेंज करें ताकि सिस्टम फिट रहे। क्या आप दुनिया में एक भी ऐसा देश जानते हैं जहां परीक्षा पास करने, मेरिट में आने के बाद नौजवानों को 10 महीने तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है और आपके मंत्री पुशअप कर रहे हैं? यू कैन नेम एनी कंट्री इन द इंग्लिश फ्रॉम घाना टू रशिया। सरकार के 4 साल पूरे होने पर अगर इन नौजवानों को, जिनकी संख्या 3287 है, 3287 है, नियुक्ति पत्र मिल जाए तो प्राइम टाइम से ज्यादा डायनेमिक मंत्री का नाम होगा कि नहीं होगा? लोग दुआएं देंगे कि नहीं देंगे? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये नौजवान वाकई बहुत परेशान है। अगर वित्त मंत्री पीयूष गोयल इन 3287 जवानों को कल सुबह तक आयकर विभाग में, एक्साइज विभाग में नियुक्ति पत्र नहीं दिला सकते तो फिर प्रधानमंत्री से ही कहना पड़ेगा कि मंत्री जी से यह काम नहीं हो पा रहा है। अगर पीएमओ में कोई भूले भटके प्राइम टाइम देख लेता हो, कभी कभी लोग देखते होंगे, क्या पता, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वे प्रधानमंत्री को बता दें कि 10 महीने हो गए, 3287 छात्रों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है जो सोमवार से पहले मिल जाना चाहिए। 10 महीने हो गए। डायनेमिक रेल मंत्री, वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी को चैलेंज के इस मौसम में चैलेंज देना जरूरी था। बाहर जनता परेशान है, नौकरी की चिट्ठी नहीं मिल रही, जो निकली है उसके इम्तिहान का डेट नहीं आ रहा, कोई उनकी फाइलों को पुश करने वाला नहीं और मंत्री जी पुशअप कर रहे हैं। आपके फिटनेस का मंत्र क्या है? एक वीडियो बनाइए, पिक्चर खींचिए और सोशल मीडिया पर डालिए। नाइस टू सी कि सब मंत्री पुशअप्स कर रहे हैं फिटनेस के वास्ते, वेरी गुड। मगर जनता की परेशानी दूर हो जाए और तब मंत्री पुशअप करें तो और भी वेरी गुड साउंड करेगा। अच्छा होता कि दोनों मंत्री अपने टेलर का नाम बता दें जिससे इतना फिट पतलून और कमीज सिलवाई है। बहुत से एंकरों के सूट और पतलून खराब सिली होती है। ऐसे एंकर मंत्री जी के टेलर के पास जा सकेंगे, टेलर का बिजनेस भी इंक्रीज करेगा। इस डायलॉग का संबंध फिल्म अग्निपथ के उस सीन से नहीं है, मगर मेरे जैसे कई लोग हैं जिनका सारा कपड़ा अच्छे टेलर के ना मिलने से खराब हो जाता है। हमारा इरादा सिर्फ आपको हंसाने का है, सटायर मगर मैं सीरियसली सलाह दे रहा हूं कि कुछ मंत्री इन दो मंत्रियों का चैलेंज बिल्कुल स्वीकार ना करें। इस उम्र में नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, मनोज सिन्हा जी, पासवान जी, गिरिराज जी, रविशंकर जी, जेपी नड्डा जी, इन सबसे दूर रहे। साफ मना कर दें, अगर नहीं मना कर सकते तो कह दें कि रवीश ने कहा है कि चैलेंज नहीं लेना है। अब आप सोचिए, स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, लेकिन आपके हेल्थ के बारे में चैलेंज दे रहे हैं सूचना प्रसारण मंत्री और गृह राज्य मंत्री। ये सटायर था, फायर की बात करते हैं। कहीं चैलेंज इस लेवल पर ना आ जाए कि मंत्री जी का कोट कितने का है, तब खेल ही बिगड़ जाएगा सारा। इसी के साथ ये देखिए, आपको समझना चाहिए कि किस तरह का ये मजाक चल रहा है कि पुशअप कर रहे हैं। सारे लोग योगा कर ही रहे हैं, जिनको एक्सरसाइज करना है वो कर ही रहे हैं और इसके लिए लोग बताने वाले बहुत सारे हैं, तो ये लोग क्यों कर रहे हैं? पर आपकी ही आंखों के सामने जादू का खेल चल रहा है। देखते रहिए।